हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था आईसीआईसीआई माइंड माइन सेविंग अकाउंट जो एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है इसको ओपन करने का जो प्रोसेस है वो हमने पिछले वीडियो में बताया था तो दोस्तों यदि आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो उस वीडियो को चेकआउट करके और आप भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आई बैंक का जो माइंड सेविंग अकाउंट है इसके बारे में हम आपको यहाँ पे चार्जेस और फैसिलिटीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से आपको इसमें चार्जेस लगते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज आपको इस अकाउंट के अंतर्गत देखने को मिल जाती है तो दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो में एंड तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज आपको यहाँ पे काफ़ी यूनिक कॉन्टेंट हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं वेलकम टू आई सी आई सी आई बैंक माइन सेविंग अकाउंट दोस्तों ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है सबसे अच्छी बात यही है इसमें आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज है वो नहीं देना पड़ता है यानी आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन रखने की आवश्यकता इस अकाउंट के अंतर्गत नहीं है दोस्तों सबसे पहली बात इस अकाउंट को ओपन कौन कर सकता है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपकी जो एज है वो अट्ठारह से लेकर पैंतीस ईयर होनी चाहिए इसके अलावा दोस्तों आप इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते यदि आप इस एज से आउट हो तो यदि आपकी एज 18 से लेकर 35 साल है तो आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है जो आई बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया गया है दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं आई बैंक ने इसमें बोला है कि इसमें आपको यहाँ पे 200 प्लस बैंकिंग सर्विसेज है वो इस अकाउंट के अंतर्गत आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और इसमें आपको यहाँ पे इंस्टेंट अकाउंट नंबर और आपको यहाँ पे इंस्टेंट आप यहाँ पे इससे जो इंटरनेट बैंकिंग सर्विस भी आप इससे एक्टिवेट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे इसको अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे इंस्टेंट अकाउंट नंबर है वो इंस्टेंटली आपको जनरेट कर दिया जाता है कि आपका जो भी ऐसे बैंक का अकाउंट नंबर होगा वो इंस्टेंटली जनरेट कर दिया जाएगा और आप इससे इंस्टेंटली ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत जो भी डेबिट कार्ड मिलता है यदि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है तो इससे भी आप जो डिस्काउंट ले सकते हैं इसमें आपको गेट डिस्काउंट ऑन फूड डिलीवरी थ्रू वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी आप जो इस आपको जो भी वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जो आपको आई मोबाइल एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा यदि आप उस डेबिट कार्ड से भी ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आपको जो फूड डिलीवरी पे जैसे जोमेटो हो गया स्विगी हो गया इन पे कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आपको इन पे डिस्काउंट ऑफर्स भी है वो देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा दोस्तों इसमें बात करें आपको यहाँ पे इस डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको यहाँ पे यानी पचास हज़ार रुपये तक का आपको यहाँ पे दुर्घटना बीमा है वो भी देखने को मिलता है जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस यानी आर एस पचास हज़ार तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अलावा यदि आप कोई भी परचेज करते हैं तो परचेज़ करने पर आपको यहाँ पे पचास का और आपको यहाँ पे आई बैंक की तरफ से जो कोई भी आपका यानी जो भी आपने सामान परचेज़ किया उसका लॉस होने का या आग से जलने का इसका नुकसान है वो इसके लिए भी आपको यहाँ पे है जो पचास हज़ार रुपये तक का इंश्योरेंस इसमें दिया जाता है इसके अलावा दोस्तों इस कार्ड के बेनिफिट है वो क्या क्या है हम इस, इसमें हम देख लेते हैं इस कार्ड के द्वारा दोस्तों आपको यहाँ पे जो इस कार्ड की जो भी आप लिमिट सेट करना चाहते हैं दोस्तों वो आप आई मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इसकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो ओनली फॉर आई मोबाइल ऐप में आपको इंस्टेंट अवेलेबल हो जाएगा जैसे ही आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर आई मोबाइल अकाउंट जो इस डेबिट कार्ड को आप है जो चेक कर सकते हैं और आप ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स भी आप इस डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यदि आप इस डेबिट कार्ड को अपग्रेड करवाना चाहते हो यदि आप जो माइंड डेबिट कार्ड है इसको माइंड डेबिट कार्ड प्लस यानी आप प्रीमियम में अपग्रेड करवाना चाहते हो तो भी आप इस डेबिट कार्ड को करवा सकते हो अपग्रेड करवा सकते हो लेकिन दोस्तों अपग्रेड करवाने का जो चार्जेज़ है वो अलग से आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों यदि आप इस डेबिट कार्ड को फिजिकल रूप में लेते हो तो आपको 150 प्लस जीएसटी का जो चार्ज है वो वन ईयर का पे करना होगा इसके अलावा यदि आप प्रीमियम लेना चाहते हो तो प्रीमियम का अलग से चार्जेज है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ दोस्तों यदि आप माइन प्लस डेबिट कार्ड लेते हो तो इसमें आपको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट है वो आपको अलग से देखने को मिलेंगे जैसे आपको कैशबैक ऑन सेलेक्टेड मर्चेंट जैसे आप जोमेटो हो गया बिग बॉस बॉस्केट बुक माइसो मंत्रा कोई भी आप बिल पेमेंट करते हो तो इससे आपको अलग से बेनिफिट है वो इस डेबिट कार्ड के आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा दोस्तों इस डेबिट कार्ड में यहाँ पे क्या क्या रिटर्न में देखने को मिलेंगे इससे दोस्तों आपको यहाँ पे यदि आप इससे एप करवाते हो तो भी आपको ज़्यादा लिमिट है वो देखने को मिलेगी दोस्तों इसके अलावा आप मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अकाउंट ओनली फॉर 18 से लेके 35 इयर्स तक के लोगों के लिए जो आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इसे आप रीड कर सकते हो यदि आप रीड करना चाहते हो तो इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे चॉइस इंटू सेवन बैंकिंग होर्स आपको यहाँ पे आई मोबाइल के द्वारा और इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आपको यहाँ पे सारी सर्विसेज है वो उपलब्ध रहेगी ऐसी बैंक की तरफ से आप सकते हैं और आपको फ्री में ई स्टेटमेंट भी आपको मिल जाता है आपको यहाँ पे कोई नहीं देना पड़ेगा ई मेल स्टेटमेंट के लिए इसके अलावा दोस्तों जो आप आई मोबाइल जो आई मोबाइल का जो भी वर्चुअल डेबिट कार्ड यूज करते हैं या आई बैंक का जो माइंड डेबिट कार्ड है दोस्तों इसका यूज यदि आप कैश विड्रॉल के लिए करते हैं तो आपको यहाँ पे पांच ट्रांजेक्शन्स ए से फ्री मिलेंगे यानी आप किसी भी ए से यदि आप पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको पाँच ट्रांजेक्शन्स है वो फ्री में रहेंगे उसके अलावा आपको यहाँ पे चार्ज है वो देखने को मिलेगा दोस्तों अब बात करते हैं इस अकाउंट को ओपन करने का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहेगा और कैसा रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले इसको यदि आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है इट्स इंस्टेंट सिंपल यानी आपको यहाँ पे ये अकाउंट है वो सिंपल अकाउंट है और इंस्टेंटली ओपन होगा नो पेपर वर्क नो डॉक्यूमेंटेशन यानी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है आपका सारा कुछ प्रोसेस पेपर वर्क ने पेपरलेस रहेगा दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे जो गो टू अकाउंट ओपनिंग पेज है दोस्तों हम यहाँ पे हमको यहाँ पे आ जाना है जो भी आपका अकाउंट ओपनिंग पेज है दोस्तों आई बैंक का यदि आप गूगल पे सर्च करोगे आई बैंक माइन सेविंग अकाउंट तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में मिल जाएगा वहाँ से जाके और आप डायरेक्टली इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको गो टू सेविंग अकाउंट ऑनलाइन पेज तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेज पे आ जाना है उसके बाद में आपको यहाँ पे इंटर योर पैन डिटेल आधार डिटेल और आपको यहाँ से इससे संबंधित जो भी डिटेल है वो आपको फिलअप करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे एड योर इंस्टा सेविंग सेव माइ अकाउंट इज रेडी यानी आपका जो भी इंस्टा सेव माइन अकाउंट है वो रेडी हो जाएगा और आप इस अकाउंट को आसानी से ओपन कर सकते हैं दोस्तों मैं अब अब आप, हम आपको आप, आप यहाँ पे बताने वाले कि जो इसका जो माइंड डेबिट कार्ड है इसका क्या चार्जेस रहेगा और किस प्रकार से आपको मिलने वाला है जि... दोस्तों इंस्टा माइन जो ए, प्लस डेबिट कार्ड है उसका आपको यहाँ पे चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं पाँच सौ निन्यानवे रुपये प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा यदि आप इंस्टा माइन डेबिट कार्ड लेते हैं तो इसका जो दोस्तों यदि आप माइन रेगुलर लेते हैं इसका कोई भी आपको यहाँ पे चार्जेस नहीं है आपको यहाँ पर नॉर्मल डेबिट कार्ड फीस है जो मैंने बताई है आपको डेढ़ लगेंगे और आपका कोई भी के आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है इसमें आपको कैश बैक है वो नहीं मिलेगा नील दिखाया हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हैं यदि आपको माइन डेबिट माइन प्लस डेबिट कार्ड लेना है तो आप इसका चार्जेज है वो बहुत ज़्यादा है मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आपको नॉर्मल डेबिट कार्ड है वही लेना है तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और आप इसका जो बेनिफिट है वो सारा कुछ आप इससे ले सकते हैं एक आई बैंक की तरफ से एक अच्छा अकाउंट है और आप यदि आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आई में तो आप जरूर ओपन कर सकते हैं इसको ओपन करने के लिए आपको आईसी बैंक का जो मेन पेज है इस पर आना है और आपको आने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे अप्लाई यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसका हमने अकाउंट ओपन करने का जो भी वीडियो है वो पहले भी कर दिया गया उस वीडियो को चेकआउट करके और आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो दोस्तों यह था आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद